नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान के पुनः मुख्यमंत्री बनने के 3 बरस होने और मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमलनाथ दिग्विजय के भ्रष्टाचार और कुशासन युक्त राज से मुक्ति दिलाने के लिए भाजपा के कद्दावर नेता और शिवराज सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेसियों को अतीत की याद दिलाते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथ भाजपा में आए मंत्री व विधायकों को बहुत बहुत बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सिंधिया और उनकी टीम के कारण ही प्रदेश में कमल का फूल खिला है, जो कमल का फूल खुशहाली और समृद्धि विकास का प्रतीक है। शिवराज सिंह के रूप में भाजपा का कमल खिला और प्रदेश की जनता के चेहरे भी कमल की तरह उन्होंने खिला दिए। कृषि मंत्री पटेल ने 2003 के पहले के कांग्रेस के बंटाधार शासन को भी खूब कोसा। उन्होंने दिग्गी राजा पर जमकर वार किए। आने वाले 1 साल में प्रदेश के चहुमुखी विकास के संकल्प की बात भी कही। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। और इसलिए मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हमारे साथी विधायकों को, मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस के कुशासन का अंत करके, भ्रष्टाचार को का अंत करके एक कमल का फूल खिलाया, जो कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। माननीय शिवराज जी के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और प्रदेश की जनता के चेहरे भी कमल की तरह खिला दिए। इसके लिए उनको भी, सिंधिया जी सहित पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आइए आप हम सब मिलकर इस 1 साल के अंदर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाते हुए विकसित राज्य बनाने में अपना योगदान दें। कांग्रेस की जब सरकार थी 2003 के पहले, दिग्विजय सिंह जी ने बंटाधार कर दिया था मध्य प्रदेश को, बीमारू राज्य बना दिया था। बिजली आती रही थी, सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, गड्ढों में चलना पड़ता था। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने इन 18 वर्षों में सड़कों का भी जाल बिछाया है, चकाचक सड़कें बनाई है। जहां बिजली 2990 मेगावाट थी, आज 26,000 मेगावाट से अधिक है। सड़कों का पूरे चौकड़ी बना दी हर गांव के अंदर। और सिंचाई की सुविधाएं, जहां 7.5 लाख थी, आज 45 लाख हेक्टेयर हो गई और 68 लाख हेक्टेयर तक हम ले जाएंगे। लाडली बेटी योजना के तहत, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 44 लाख बेटियां लाडली बहने बनी हैं। और इस प्रकार इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।